show you off in limos out on Collins. I be. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टाटा सफारी का XM वेरिएंट। ये एक सेकंड बेस वेरिएंट है, तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। फ्रंट साइड से बात करें तो इसके अंदर आपको टॉप मॉडल वाली ही ग्रिल मिल जाती है जिसके अंदर क्रोम वर्क हुआ हुआ है। एंड DRLs की बात करें तो इसके अंदर आपको नॉर्मल DRLs मिलते हैं जो कि बल्ब के साथ ग्लो करते हैं। एंड नीचे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं एंड फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं इस मॉडल के अंदर। एंड इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है जो कि 170 PS की पावर निकालता है एंड 350 Nm का टॉर्क। एंड साइड से बात करें तो इसके अंदर आपको फुल बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है। एंड टायर साइज की बात करें तो इसके अंदर आपको 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं जो कि आपको ओल्ड सफारी में मिला करते थे। ORVMs की बात करें तो वो आपके एडजस्टेबल रहेंगे लेकिन फोल्डेबल नहीं मिलेंगे इस मॉडल के अंदर। एंड रूफ से बात करें तो इसके अंदर आपको रूफ रेल्स भी मिल जाती हैं ब्लैक कलर के अंदर एंड एक एंटीना भी मिल जाता है। फ्यूल टैंक की बात करें तो इसके अंदर आपको 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है। अब जैसे कि सफारी हैरियर पे बेस्ड है तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अच्छे स्कोर करने के ग्लोबल एंड कैप के अंदर। सफारी के डोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होते हैं। एंड रियर से बात करें तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा ही बूट स्पेस मिलता है क्योंकि इसके अंदर थर्ड भी है। एंड इसकी टेल लैम्प्स की बात करें तो आपको टॉप मॉडल जैसे ही टेल लैम्प्स मिलते हैं, रियर वाइपर मिलता है, रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। इस मॉडल में आपको कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा और डिफॉगर नहीं मिलता। सफारी के अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करें जो कि आपको 7 सीटर का ऑप्शन देते हैं, वो है ह्यूंडई अल्काज़ार, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एंड जो लास्ट बचता है वो है MG हेक्टर। एंड अगर इसके वेरिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलते हैं XC, XM, XT, XT प्लस, XZ, XZ प्लस। जो आप देख रहे हैं वो है XM वेरिएंट जो कि है सेकंड बेस वेरिएंट। एंड अब इसके कलर ऑप्शन की बात करें तो जो आप देख रहे हैं वो है रॉयल ब्लू, नेक्स्ट कलर आता है आपका ऑर्कस वाइट। एंड अगर टाटा सफारी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 एयरबैग्स, ABS प्लस CBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। एंड थर्ड कलर की बात करें तो ये है डेटोना ग्रे, ये थोड़ा डार्क शेड के अंदर आ जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है सफारी XM पे। अगर इसके ऑन रोड प्राइसेस की बात करें तो डीजल मैनुअल आपको 19.41 लाख का ऑन रोड पड़ता है एंड डीजल ऑटोमेटिक आपको 20.86 लाख का ऑन रोड पड़ता है। एंड लास्ट कलर जो बचता है वो है ट्रॉपिकल मिस्ट कलर। ये पर्टिकुलर कलर ऑलमोस्ट एडवेंचर परसोना वाले वेरिएंट से मिलता जुलता कलर है। इस वाले वेरिएंट की बात करें तो इसके अंदर आपको कोई भी कीलेस एंट्री नहीं मिलेगी, एक नॉर्मल सी फ्लिप की मिलेगी विद सेंट्रल लॉकिंग। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में एंड देखते हैं क्या क्या फीचर्स इस मॉडल में आपको अवेलेबल कराए हैं टाटा ने। एंड इंटीरियर से बात करें तो इसके अंदर आपको ब्लैक और बेज कलर का इंटीरियर मिल जाएगा, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाएगी, ऑल 4 पावर विंडोज एंड एडजस्टेबल ORVMs। एंड स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो इसके अंदर आपको स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे एंड इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको कोई भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता। एंड इसके अंदर आपको 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जो कि ब्लूटूथ, ऑक्स एंड USB को सपोर्ट करता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलता। एंड ये आप देख सकते हैं पैसेंजर साइड डोर। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लार्ज फील होता है। ऊपर से बात करें तो इसके अंदर आपको सनग्लास होल्डर और कैबिन लैंप्स भी मिल जाते हैं। इसके अंदर आप स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों साइड से एडजस्ट कर सकते हैं एंड इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है एंड हैंड ब्रेक इसके अंदर आपको हैरियर टाइप की ही मिलेगी। रियर साइड से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस फील होती है एंड इसके अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाती हैं, लेकिन कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता इस मॉडल के अंदर। ये आप देख सकते हैं रियर के डोर्स। एंड रियर एसी वेंट्स की बात करें तो वो आपके पिलर्स में इंटैक्ट रहेंगे। एंड अगर डीजल इंजन के मोड्स की बात करें तो इसके अंदर आपको सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाते हैं। सेकंड रो के अंदर आपको रिक्लाइन एंगल भी मिल जाता है एंड इसको अगर आप 60:40 रेशो में कन्वर्ट करते हैं तो आप थर्ड रो का भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड थर्ड रो की अगर स्पेस की बात करें तो ये पर्टिकुलर रो किड्स के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी एंड इसके अंदर भी आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं जो कि पिलर्स में प्लेस्ड हैं एंड एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि आपको तीनों ही रोज में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड सीट बेल्ट मिल जाती है। ये पर्टिकुलर रो आपकी 50:50 रेशियो में स्प्लिट हो जाती है एंड आपका बूट स्पेस इंक्रीज करने में हेल्प करती है।
सो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज.